नमस्कार, छत्तीसगढ़ के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 22 मार्च 2023 को मौसम विभाग के अनुसार कैसा रहेगा छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल और आपके जिले की मौसम की जानकारी। तो आइए देखते हैं कल छत्तीसगढ़ के किन जिलों में कितनी बारिश होगी, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि कल छत्तीसगढ़ का तापमान कैसा रहेगा। तापमान की बात करें तो दिन के समय जिन जिलों में अधिक तापमान होगा वे जिले हैं रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, कांकेर, कोरबा, बलरामपुर, बीजापुर, बालोद, राजनांदगांव, बस्तर और महासमुंद, जहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इसी तरह रात के समय जिन जिलों में कम तापमान होगा वे जिले हैं कोरिया, कांकेर, सरगुजा, कबीरधाम, नारायणपुर, सूरजपुर, जसपुर, धमतरी, जांजगीर चांपा, गरियाबंद और बलौदाबाजार। इन जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी। हवा की गति की बात करें तो सबसे अधिक हवा चलने वाले जिले हैं कोरिया, कांकेर और नारायणपुर, जहां पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वही बाकी जिलों की बात करें तो 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने वाली है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी डालते हैं तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। साथ ही आप छत्तीसगढ़ के किस जगह से यह जानकारी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। सबसे पहले वे जिले देखेंगे जहां पर बहुत ही हल्की बारिश या यूं कहे कि घने बादल तो छा रहेंगे लेकिन बारिश होने की संभावना कम है। वे जिले हैं रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बलरामपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरिया, बालोद, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बस्तर और कोंडागांव। इन जिलों में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। अब आइए वे जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ बादलों की गर्जना होगी, गरज चमक का मौसम रहेगा और कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना बनी हुई है। वे जिले हैं मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव। इन जिलों में बारिश के साथ एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। था छत्तीसगढ़ में आज का मौसम और आपके जिले की मौसम की जानकारी। साथियों, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।